What is up? How are you guys doing? बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो के साथ आ रहा हूँ। आजकल रिएक्शन वीडियोस भी कमी हो गए हैं, पता नहीं यार वो टाइम नहीं हो पा रहा है। खैर छोड़ो, उस बारे में क्या ही मतलब डिस्कस करके टाइम वेस्ट करना है। अभी जो हमें करना है फटाफट करते हैं। एमसी चैन का बर्थडे यार, बर्थडे है ना, मतलब मैं हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ एमसी चैन, हैप्पी बर्थडे इफ यू आर वॉचिंग दिस, आई डोंट नो यू लाइक रिएक्शन वीडियोस और नॉट, पर हाँ मुझे ये जरूर पता है कि आज उसका गाना आया जिसका रिएक्शन वीडियो काफी लोग कर चुके होंगे, बस थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस दिन गाना आ रहा है उसी दिन मैं भी रिएक्शन वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि यार कल संडे था तो थोड़ा पार्टी के बाद क्या होता है फिर सुबह उठने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो इस वजह से ये वीडियो भी थोड़ी देरी के साथ आता है। गाने का नाम है इन लोगों ने मारे क्या मारे, वो तो गाना सुन के पता चलेगा। और अगर आप पोस्टर देखो बहुत ही डेडली सा पोस्टर लग रहा है, कुछ ब्लेड वगैरह पकड़ा हुआ है, कट कुट पड़ा हुआ है। और एक चीज और जो कि बहुत सही है कि खास है कि मतलब प्रोड्यूस बाय एम सी स्टैन, यू नो, तो म्यूजिक भी एम सी स्टैन ही खुद प्रोड्यूस कर रहा है और यू नो ही इज डूइंग ऑल द वर्क हिमसेल्फ। तो जब आप सारे काम खुद करने लगते हो ना, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन आपको किसी और की जब जरूरत नहीं होती है ना तो फिर मज़ा आता है। कुछ यही मैं भी करता हूँ, मतलब मैं प्रोड्यूस नहीं करता हूँ अपने गाने। अगर आपने मेरे गाने सुने होंगे, मेरा दूसरा चैनल है ईशान सेठी के नाम से और वहाँ पे मेरे अपने गाने आ रहे हैं, अभी नया गाना भी आने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरा नया गाना नहीं सुना है, इसका नाम है रोको टोको, वो ऑडियो डाला था पहले मैंने, फिर अब उसका वीडियो भी डाला है, तो जिन जिन लोगों ने ऑडियो सुना है वो लोग वीडियो सुन रहे हैं, उनको वीडियो भी अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों ने नहीं सुना है तो ज़रूर सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो स्टैनी की आर्मी है वो ईशान सेठी के गाने भी सुन ले। अभी हम एमसी स्टैन का गाना प्ले करते हैं इन लोगों ने मारे और सुनते हैं, देखते हैं, उस पे रिएक्शन देते हैं। लेट्स गो। ओके, आई लाइक द म्यूजिक, आई लाइक द विजुअलाइजेशन, बहुत सही ऑडियो है, वीडियो आता तो मजा आता, लेकिन हाँ ऑडियो है। रुकने का सामान लगा के तू मेरे को मान आ रहा पाउडर लगा के तू मता हमको बोल हम लोग आते झूठ बोलते कैसे के कसम के संग आके सोचा मैं छोड़ डालू बनाने का गाने मेरे साथ रेड चले रु तू जा गाड़े बोलते के झगड़े में बोलते को मारे पूजा मत बोला तो फिर भी कोई जा एड्रेस दे रही है छीनल के बारे हरम का काका के हो गए जाने कर मुझे उसके हम लोग ने किसको तो मारे बड़ा मेरा हो गए लगे ने लोग मारे शो ये गवेरे यार मेरे यार भाई वाले मंडल में वार माने ये बचाने क्यों मेरा मार गए सारे बहुत ही मिक्स फीलिंग है। खत्म हो गया। तो एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं एमसी स्टैन का लाइक मैं उसका कोई ऐसा फैन वैन नहीं हूँ, राइट, लेकिन मैं भी एमसी स्टैन के गाने सुनता हूँ। जब भी मैं दोस्तों के साथ उसका गाना प्ले करता हूँ तो वो क्या है ना, एक मम्बल रैप हो रहा है, राइट, आपको लिरिक्स उतने समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको वो सुनने में
कई बार करता है कि हाँ बचता है, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एमसी की अगर आप पुराने गाने देखते होगे तो लगभग ये सेम तरह का म्यूजिक ही उसमें यूज हो रहा है। और मम्मल रैप यूज, मतलब एक नया फॉर्मेट जो इंडिया के लिए नया था, वो एमसी स्टैंड उसको क्या कर रहा है, उसको शो कर रहा है, राइट। वो बहुत सही चीज़ है, मगर बहुत बार ऐसा हो रहा था बीच में जब मैं गाना सुन रहा था, इसको पॉज करूं और पीछे जाके बैक एंड फोर्थ करके इसको थोड़ा सा सुना जाए कि ये क्या बोला है। लेकिन मैं पहले पॉज वगैरह करता था, तो आप लोग बोलते थे गाना पॉज मत करा करो, और मैं भी ये चाहता हूँ कि यू नो एक वन गो में जो रिएक्शन मैं, जो मुझे सुन के रिएक्शन आ रहा है वो मैं आप लोगों को दूँ। मतलब रुक रुक के भी मैं वो कर सकता हूँ, वो आप लोग मुझे बताना, क्योंकि बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि यार ये क्या है, हमें पीछे जाना चाहिए, क्योंकि कई कई रिएक्शन वीडियोस अगर मैं देखता हूँ कभी कभार तो उसमें गाना या कुछ भी होता है तो उसमें पॉज करते हैं, तो मुझे वो मज़ा नहीं आता है। आई डोंट नो, जब वीडियो पॉज होती है और उसके बारे में बात करी जाती है तो आई पर्सनली डोंट लाइक इट, तो इसीलिए मैं भी नहीं करता हूँ। बाकी आप लोग बताना, इसको हम पॉज करके पूरा उसका ऑपरेशन थिएटर बना के पूरा उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम कर देंगे, राइट, गाने को, गाने का पोस्टमार्टम कर देंगे। मैं अगर जैसे मैंने बोला मिक्स फीलिंग थी, क्योंकि यार मेरे को पूरा ठीक से समझ नहीं आ रहा था, बहुत कॉन्सेंट्रेशन का सुनना पड़ता। इसका जो गाना है ना एमसी स्टैंड का, इट्स नॉट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ऑब्वियसली आपको गाना सुनना है, आपको लिरिक्स सुनोगे, साथ में आपको मन करेगा मैं भी करूं, मगर ये जो गाना है ना ये बजने के लिए है। वो एक चल रहा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मम्मल रैप इट्स मोस्टली अगर उसको बढ़िया बनाना है, इट्स अबाउट द फ्लो, यू नो, क्योंकि जब आप ऐसे अगर गाना बज रहा है स्पीकर में कहीं भी बज रहा है, राइट, आपको समझ नहीं आ रहा है, मगर आप फ्लो पे वाइब करो, म्यूज़िक और उसके साथ जो फ्लो है, यू नो, जैसे अभी जैसे इसका रैप था, जैसे तो अगर फ्लो बेकार होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर मम्मल रैप की अगर हम बात करें तो। म्यूज़िक वॉज गुड, लिरिक्स वाइज उतना मैं अगर सही बताऊं तो उतना मेरे को ठीक से समझ नहीं आया, मुझे दोबारा सुनना पड़ेगा, अगर मुझे प्रॉपरली देखना इसने क्या क्या बोला। एक जगह शायद जो गाने का तात्पर्य था, मतलब वही है यार, एमसी शन के गानों में मतलब क्या है, मतलब कि धोखा मिलता है और यू नो कहानी बताई उसने, एक सर फाड़ दिया, अब पुलिस को क्या बताएंगे क्यों मारा, राइट, जो मैंने थोड़ा बहुत समझा। बाकी आप में से कई कई जने होते हैं जो भाई पूरा लिख देते हैं, पूरा बता देते हैं, बूम 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 बूम, तो जो जितने में भी कुछ भी समझा सकता है इस गाने के बारे में, जो मुझसे ज़्यादा बार सुना। और आपका पहला रिएक्शन कैसा था जब आपने सुना? भाई मेरा ये था, मेरा ये है कि मैं इसे दोबारा प्ले करके सुन सकता हूँ, सुनना चाहता हूँ, राइट, ये मेरा रिएक्शन है इस गाने को सुनने के बाद। इसका वीडियो नहीं है, पता है मुझे, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, मैं उस पर वो कर रहा हूँ, उसका वीडियो नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं था, एक्सक्लेमेशन मार्क था, तो बट या आई लाइक इट, मैं इसको थम्स अप दूंगा। बाकी तुम लोग बताना तुमको ये गाना सुन के कैसा लगा और मेरा रिएक्शन कैसा लगा, ऑनेस्टली बताना। नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक दे देना, पसंद आया तो लाइक दे देना। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन जहाँ होता है वहाँ पे ऊपर ही मैंने लिंक डाला है रोको टोको के वीडियो का, तो आप जाकर उसे सुनिए और उसका मज़ा लीजिए। और मेरा नया गाना आ रहा है जो मम्मल रैप नहीं है, डिफरेंट है, और मैंने ही लिखा तुम्हारे भाई ने, बहुत ही दिल से लिखी हुई बात है, दिल तक पहुंचेगी तुम्हारे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो बाकी अभी मैं चलता हूं और आप लोगों से मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नया गाना जो भी आता है, अभी हनी सिंह का शायद गाना आ रहा है या किसी का गाना आने वाला है, तो आप लोग मुझे अपडेट कर देगा इंस्टाग्राम पे यार कि यार जो भी मतलब मेरे को पहले सुनते हुए आ रहे हैं कि यार ये गाना आ गया, इसका रिएक्शन दे दो, राइट। तो मुझे थोड़ा वो रहता है कि हाँ, मतलब मैं यूट्यूब वगैरह पे आता रहता है कमेंट्स वगैरह पुरानी वीडियोस पे, इस पे करो, उस पे करो, उस पे करो, वो मैं देखता रह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे करोगे तो थोड़ा मुझे और उत्साहित फील होगा और मैं फटाक से फिर उसके रिएक्शन वीडियो करने आ जाऊंगा। बाकी ये मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना, आज मीट यू अगेन, जो तब तक हंसते रहूँ उसको राधे रखो, से मैं डू समथिंग।